पवन सिंह के लिए ये कहा जाता है कि पवन सिंह बहुत ही मूडी हैं, जिस पर दिल आ जाए तो भाई उसके लिए जान भी दे सकते हैं। लेकिन पवन सिंह के लिए ये भी कहा जाता है कि वो कान के बहुत कच्चे हैं, उनके पास जो रहता है, उनके जो करीब रहता है, उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं, उस पर विश्वास कर लेते हैं और अपने अच्छे से अच्छे रिश्तों को ख़राब कर लेते हैं। खैर, इस बात को तो खुद पवन सिंह ने कबूला भी है कि वो अपने जो करीब रहते हैं उन पर बहुत यकीन कर लेते हैं, इस वजह से शायद उनके साथ ऐसा हो जाता हो। खैर, हम आपको इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि क्यों पवन सिंह की माँ से कभी नहीं पटी पवन सिंह की गर्लफ्रेंडों की। जी हाँ, इनसाइड सोर्सेस की माने तो पवन की जितनी भी गर्लफ्रेंड हैं उनकी माँ ने उन्हें कभी नहीं कबूला, फिर वो चाहे जो भी रही हो, फिर वो चाहे अक्षरा सिंह ही क्यों नहीं रही हो। पवन की माँ को ज़रा भी पसंद नहीं था कि बेटा किसी भी भोजपुरी इंडस्ट्री की लड़की से शादी करे और उसे अपने घर की बहू बनाए। जी हाँ, ये बात उन औरतों पर भी लागू होती है जिनके साथ पवन ने शादियाँ की। आपको बता दें, पवन की दो शादी जो कि लोग जानते हैं, चाहे वो नीलम सिंह रही हो, चाहे वो ज्योति सिंह रही हो, इन दोनों के साथ ये बताया जाता है कि पवन की माँ की कभी नहीं जमी। और हाल ही में उदाहरण ज्योति सिंह है, जो कि बलिया में रहते हुए आरा अपनी सास के पास जाती ही नहीं है। वैसे कहा जाता है कि पवन सिंह के लिए माँ ही सब कुछ है। फिर सुबह उठते ही पवन सिंह पहला कॉल माँ को करते हैं। अगर गांव में हैं तो पहली बार वो अपनी माँ को ही बुलाते हैं, यानी कि पवन अपनी माँ के सबसे ज़्यादा करीब हैं। और पवन अपने हर एक इंटरव्यू में ये कहते हैं कि अगर मैं मुंबई में हूँ और माँ गांव में है तो मैं सबसे पहले अपनी माँ को फ़ोन लगाता हूँ और सबसे लास्ट भी अपनी माँ को ही फ़ोन लगाता हूँ, यानी कि अपनी माँ से वो कितने करीब है आप ये देख सकते हैं। यही बात उनके लव अफेयर और पर्सनल रिश्तों की, तो आपको बता दें कि उनकी माँ की मर्जी के बगैर भले ही पवन कितने भी अफेयर कर ले, शादी वो अपनी माँ की मर्जी के बगैर नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार वो शादी में धोखा खाए हैं वो रीना रानी के साथ, तो वो दोबारा अपना हाथ नहीं जलाना चाहते, अपनी माँ के खिलाफ वो कुछ नहीं करना चाहते। इसलिए पवन सिंह ने ज्योति सिंह से शादी की माँ की मर्जी के साथ रहकर। लेकिन पवन सिंह का दिल हमेशा धड़कता रहा अक्षरा सिंह के लिए। इन दोनों के दिलों के बीच में फंस गई ज्योति सिंह, लेकिन आज कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार ज्योति सिंह अपनी सास यानी कि पवन की माँ को ही समझती होंगी। उसका जीवन आगे चल के कितना कष्टकारक हो सकता है। वैसे इसका मेंशन तो खुद ज्योति सिंह ने भी किया है कि लेट शादी करो पर राइट पर्सन से शादी करो, यानी कि सीधे सीधे पवन सिंह को इशारा किया है यहाँ ज्योति सिंह ने। ऐसे भी अपने हर एक इंटरव्यू में पवन सिंह कई बार कबूल चुके हैं कि माँ बाप के बाद ही उनके लिए दुनिया में कुछ और है, तो शायद हो सकता है कि अपनी माँ को प्रायोरिटी देने के कारण ही पवन सिंह के और रिश्ते हमेशा खराब हो जाते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।